वेलकम दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। आज हम बात करेंगे एक अनबॉक्सिंग के बारे में। भले हम बात ना करें लेकिन हम करेंगे एक अनबॉक्सिंग। तो दोस्तों, आज फिर से एक नया अनबॉक्सिंग है और ये अनबॉक्सिंग है किंगस्टन डेटा ट्रेवलर 3.0 16 GB का। तो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल ऑफ सादिक अख्तर। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। अब आप इस चैनल को क्यों सब्सक्राइब करेंगे? तो आप इस चैनल को इसलिए सब्सक्राइब करना चाहेंगे क्योंकि इसमें हम टेक से रिलेटेड एनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन बताते हैं। तो दोस्तों, पहले मैं उस प्रॉब्लम का, एनी प्रॉब्लम, वो हो चाहे वो डिवाइस का हो, चाहे वो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का हो, चाहे वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के किसी कंपाइलर को, मैं हर चीज़ का अगर प्रॉब्लम आता है तो पहले मैं उस प्रॉब्लम को फेस करता हूँ, तो उसका सॉल्यूशन ढूंढता हूँ और अपने चैनल में डालता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आप बिना टाइम वेस्ट किए एक बार उस किंगस्टन डेटा ट्रेवलर का व्यू कर देख लेते हैं। तो दोस्तों, ये सेम टू सेम जो ऑन स्क्रीन में आपको किंगस्टन डेटा ट्रेवलर यानी पिनड्राइव DT50, इसका मॉडल का नाम है DT50। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, DT50 16 GB का है, यही मैंने मंगाया है सेम टू सेम। तो पहले मैं आपको ऑन स्क्रीन इसकी व्यू दे देता हूँ, उसके बाद मैं आपके सामने अनबॉक्सिंग करूँगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं आप इसकी हाई एफिशिएंट बॉडी। इसकी बॉडी बिल्कुल हाई एफिशिएंट है। क्यों हाई एफिशिएंट है? क्योंकि ये पूरी मेटल बॉडी है, इस ग्रीन पार्ट को छोड़ के जो कि डिज़ाइन के लिए दिया गया है। इसके कलर बेस है, इसमें तीन कलर आती है, ब्लू, ग्रीन, ब्लैक और शायद रेड भी आती है। तो दोस्तों, मैंने ग्रीन कलर का ऑर्डर किया सेम टू सेम। तो ये दोस्तों प्योरली मेटल बॉडी है। मैं अब आपको इसकी अच्छाई या बुराई के बारे में बताता हूँ। तो अनबॉक्सिंग करने से पहले ये भी कर लिया जाए, क्योंकि अनबॉक्सिंग में शायद हमें उतना टाइम ना मिले, हम उसको देखते ही रह जाएं, क्योंकि वो हो सकता है बहुत ही अच्छा हो। तो दोस्तों, इसकी अच्छाई ये है कि क्योंकि ये प्योरली मेटल बॉडी है, तो क्या होता है, अक्सर गिरने से हमारा जो प्लास्टिक बॉडी पिन ड्राइव रहता है वो गिरने से क्रैक आ जाता है, वो टूट जाता है, ठीक है। और उसमें क्या होता है, वो उसका लॉन्ग लाइफ रिड्यूस हो जाता है। पर इसमें क्या है, क्योंकि ये मेटल बॉडी है तो इसके गिरने से इसे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों, अब इसकी थोड़ी सी बुराई ये भी है कि इसमें लॉन्ग टाइम अगर हम इसे अगर कुछ डेटा एक्सचेंज करें तो ये थोड़ी हीट हो जाती है, क्योंकि मेटल बॉडी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई, अक्सर प्लास्टिक बॉडी भी है, प्लास्टिक बॉडी वाला पेन ड्राइव वो हीट हो जाता है, तो ये तो प्योरली मेटल बॉडी है, तो ये थोड़ा हीट तो होगा ही दोस्तों। तो दोस्तों, अब हम चलें इसकी थोड़ी डिस्क्रिप्शन देख लें दोस्तों। तो ये जो मैंने साइट खोला है, मैंने तो पेटीएम मॉल से मंगाया है, तो ये साइट में इसका प्राइस दिखा रहा है $3.99। तो दोस्तों, मैंने पेटीएम से जो मंगाया है उसकी प्राइस क्या है और उसकी डिलीवरी चार्ज लगी कि नहीं लगी और कब वो डिलीवर हुआ, कितने दिन में डिलीवर हो गया, क्या उसकी पैकिंग अच्छी थी कि नहीं, क्या वो उसकी पैकिंग अप टू मार्क थी कि नहीं, उसमें मैं सब कुछ उसे अनबॉक्सिंग के टाइम में बताऊंगा। तो दोस्तों, ये देखिए, इसमें थोड़ी सी अब डिस्क्रिप्शन इसकी देख लेते हैं। ये देखते हैं दोस्तों, किंगस्टन डेटा ट्रेवलर जो है ये USB 3.0 परफॉर्मेंस का है दोस्तों। ये बहुत अच्छी है, जब मुझे ये प्राइस जो प्राइस में मिली है वो प्राइस बहुत ही अच्छा है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं इसका एक बार आपको कलर भी दिखा देता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये ग्रीन कलर जो मैंने मंगाया इसमें रेड भी आता है, और यहाँ पे देखिए ब्लैक, रेड, ब्लू और वेरियस कलर में आते हैं दोस्तों। इनके ओवरव्यू अगर देख लें तो ये बता रहे हैं कि किंगस्टन डेटा ट्रेवलर जो है इनकी परफॉर्मेंस स्पीड जो होती है बहुत ही अच्छी होती है। अगर एक बार इसको वीडियो देखना चाहिए तो दोस्तों, एक बार वीडियो भी आप देख सकते हैं। अच्छा दोस्तों, आप यहाँ पे देख रहते हैं कि इसके किंगस्टन डेटा ट्रेवलर के बहुत सारे कलर हैं। ये हो गया ब्लू, ये हो गया ग्रीन, ये रेड, ये लाइट ब्लू और ये आपका ब्लैक कलर हो गया दोस्तों। ये कलर बहुत ही अच्छे अच्छे हैं, इनका रेंज भी कलर बहुत अच्छे हैं। और ये इन्होंने जैसे कि बताया USB 3.0 कंपैटिबल है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, नया जनरेशन है। तो दोस्तों, आपने देखा कि इसकी DT50 मॉडल किंगस्टन डेटा ट्रेवलर के बारे में आपने इसे देखा। अब चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अनबॉक्सिंग की तरफ से। तो दोस्तों, अब मिलते हैं अनबॉक्सिंग में। मेरे पास पेटीएम से आया हुआ ये डेटा ट्रेवलर, किंगस्टन का डेटा ट्रेवलर का ये पैकेज है। ये पैकेजिंग तो बहुत ही अच्छी है दोस्तों, ये कंप्लीट सेफ पैकेज है, और टेट्राहेड्रल पैकेज जो बोलते हैं, जो मिल्क में आती है, दूध में आती है, वैसे ही पैकेज आपको मिली है। तो दोस्तों, अब इसे अनबॉक्स करके देखते हैं। अनबॉक्स तो नहीं कर सकते क्योंकि ये पैकेट है। चलिए पैकेज को खोल के देखते हैं। तो दोस्तों, अंदर में हमें मिलती है एक बिलिंग। तो पहले बिलिंग देख लेते हैं, बिलिंग में क्या क्या लिखा हुआ है। बिलिंग में सबसे पहले आपका सेलर का एड्रेस लिखा हुआ है और शिपिंग एड्रेस लिखा हुआ है।
अच्छा दोस्तों, और इसका ग्रैंड टोटल प्राइस जो मुझे पड़ा है, हाँ दोस्तों, अब आप सोचते होंगे कि मुझे ये कितने में पड़ा, तो दोस्तों ये जो मुझे पड़ा है वो पड़ा है आप 287 रुपीज़ में, जिसमें 29 कैशबैक भी था, तो मुझे इफेक्टिव प्राइस है 243 रुपीज़। 243 रुपीज़ में अगर आपको 16 GB का 3.0 वाला पेन ड्राइव मिल जाता है दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही अच्छी बात होगी। और एक बात बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि कुछ दिन पहले पेटीएम मॉल में आपको यही किंगस्टन डेटा ट्रेवलर के साथ 59 रुपीज़ की कैशबैक मिल रही है, वो लेकिन मेरे हाथ से वो ऑफर छूट गया, मुझे बहुत ही खराब लगा। चलिए कोई बात नहीं, 29 तो कम से कम कैशबैक मिला ना, क्योंकि अगर दुकान से खरीदने जाते तो मुझे कम से कम ये 300, उसमें क्योंकि 500 रुपीज़ लिखा हुआ तो कम से कम मुझे 300 तो पड़ता ही, और मुझे 243 रुपीज़ मिल गए तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा दोस्तों, प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो ये है मेरा प्रोडक्ट, ब्यूटिफुली पैक्ड किंगस्टन डेटा ट्रेवलर 3.0। तो दोस्तों अब इसे खोल के देखते हैं। दोस्तों इसे ध्यान से खोलिएगा, क्योंकि इसी में आपकी वारंटी कार्ड भी रहती है, तो इसका रहना बहुत ही ज़रूरी है, आप इसे बिल्कुल फाड़ मत दीजिएगा। चलिए दोस्तों, मैंने अनबॉक्स कर लिया। ये देखिए दोस्तों, ये है किंगस्टन डेटा ट्रैवलर, आप देख सकते हैं मैंने ग्रीन कलर का मंगाया है। ये रहा आपका किंगस्टन डेटा ट्रैवलर, DT50 मॉडल है, 16 GB का। दोस्तों ये वेट में तो बाकी की तरह ही है, थोड़ा आपको हैवी वेट लग सकती है, क्योंकि मैंने जैसे ही बताया कि ये प्योरली मेटल बॉडी है, और इसकी स्पीड तो हाई होगी क्योंकि ये USB 3.0 है, और ये सही है। बहुत ज़्यादा यूवी में आप देखेंगे कि USB 3.0 नहीं है, कोई कोई लिखते हैं तो ये गलत है, ये बिल्कुल USB 3.0 का देता है। और मैंने इसकी आपको ख़राबी बताई, क्योंकि मेटल बॉडी है तो थोड़ा गर्म हो जाता है, और एक है कि थोड़ा हैवी वेट है, थोड़ा हैवी वेट है, बल्कि मैं अपने पॉकेट में अगर ले भी जाऊँ तो मुझे ज़्यादा कुछ लगेगा नहीं, बस थोड़ा लगेगा कि मैं एक छोटा पत्थर लगे रखा है, उतना भी वेट नहीं है दोस्तों। सही है, ये अच्छा पेन ड्राइव है। आपको थोड़ा हैंडी अगर महसूस ना होता है, तो मुझे जैसा कि लगा ये थोड़ा हैंडी महसूस नहीं हो रहा है, अगर थोड़ा लंबा रहता तो मैं इसे पकड़ पाता, ये थोड़ा स्लिपरी है। लिंक कोई बात नहीं दोस्तों, आपको इतना अगर अच्छा पेन ड्राइव अगर मेटल बॉडी वाला मिलता है इतने सस्ते रेट में, तो आप इसे कभी छोड़ना नहीं चाहिए। अगर आपको इसका लिंक चाहिए खरीदने का पेटीएम मॉल का, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते जाइएगा। थैंक यू दोस्तों।